श्री सद्गुरवे नमः। बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की पवित्रताएं आवश्यक हैं। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के एक प्रवचन का अंश। जीवन में पवित्रता की अनिवार्य आवश्यकता है। पवित्र जीवन ही वास्तविक जीवन है। अपवित्र जीवन किस काम का? रात्रि विश्राम के बाद प्रभात काल में जब हमारी नींद टूटती है तभी से पवित्रता शुरू हो जाती है। अर्थात सोकर उठते ही हम आँखें धोते हैं, कुल्ली करते हैं, शौच जाते हैं, हाथ पैर धोते हैं, दतवन करते हैं, घर दरवाजों की सफाई करते कराते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं। ये सब सफाई ही सफाई है। कितने लोग कपड़े तो साफ और धुले हुए पहनते हैं लेकिन जब शौच करके उठते हैं तो हाथ साफ किए बिना ही अपने सारे कपड़े छूते हैं। यह कैसी पवित्रता है? देहातों में, वहाँ भी अभी ये पुराने ज़माने की बात हो गई लेकिन जब का यह प्रवचन है तब की बात है, देहातों में जहाँ शौचालय नहीं है लोग लोटे में जल लेकर जंगल बगीचे की ओर जाते हैं, शौच करके लौटते हैं तो रास्ते में किसी पेड़ की टहनी तोड़ लेते हैं, बाएं हाथ में लोटा लिए दाएं हाथ से दतवन करते हुए आ जाते हैं, तब हाथ साफ करते हैं। यह पवित्रता नहीं है। अधिकांश लोग शौच करके तो पानी लेते हैं पर पेशाब करके पानी नहीं लेते। उनका पेशाब उनके हाथों और कपड़ों में लगा रहता है। उसी शरीर से देवालयों और साधु आश्रमों में जाते हैं। साधु महात्मा तो पवित्र होते हैं, आगंतुक जन अपने अपवित्र हाथों से साधु संतों का चरण स्पर्श करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि दूर से प्रणाम करो तो उनके मन में तकलीफ होती है। वे सोचते हैं कि ये कैसे साधु हैं जो कि पैर नहीं छूने देते। अरे भाई, पवित्र रहिएगा तब न पवित्र व्यक्ति के चरण छूइएगा। जिस तरह शौच करके पानी लेते हैं उसी तरह पेशाब करके भी पानी लें तो अच्छा है। हम लोग नदी, तालाब या नल, कूप आदि के जल से स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, इससे तन की सफाई होती है। यह बाहरी पवित्रता है। तन की सफाई के साथ साथ मन की सफाई भी होनी चाहिए और वह होती है सत्संग से। सत्संग करते हैं तो मन साफ होता है। फिर जब हम ध्यान करते हैं तो उससे आत्मा की सफाई होती है, आत्मा आवरण रहित हो जाती है। इस तरह बाहरी भीतरी दोनों प्रकार की पवित्रता मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज।